परतवाडा येथे दुरानी चौक येथे आझाद हिंद गणेश उत्सव मंडळाची स्थापना 1947 ला झाली होती। ज्या प्रकारे लोकमान्य टिळक यांनी लोकांना संघटित होण्यासाठी गणेश उत्सव सुरू केला, त्याची सुरुवात परतवाडा येथे भरत चौरसिया यांच्या माध्यमातून सुरू झाली। परतवाडा येथील भयानक गणेश मंडळ मागील 42 वर्षांपासून विराजमान होते। भयानक मंडळाला गणेश उत्सव स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक 5 लाख रुपये मिळाले होते। परतवाडे का महाराजा यह नाम से परतवाड़ा में भयानक गणेशोत्सव मंडल प्रसिद्ध है। परतवाड़ा का शोभा यात्रा का सबसे बड़ा जो आज अनंत चौदस के दिन जो गणेश विसर्जन होने जा रहा है, इसमें भयानक गणेश मंडल जो है वो अग्रणी रहता है। और भयानक गणेश मंडल को देखने के लिए हजारों लोग परतवाड़ा, अचलपुर, धारनी, चिकलदर और आजूबाजू के गाँव से आते हैं कि भयानक इस वर्ष किस प्रकार से विसर्जन करेगा। हमारे साथ भयानक गणेश मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सुनील चौधरी, हम लोग जानेंगे इस मंडल की स्थापना कैसी हुई थी और किस प्रकार यहाँ आयोजन होते हैं। यह मंडल पूरे अचलपुर प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 40-50 साल से शांतिपूर्व और अच्छे तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती है, भव्य दिव्य शोभा यात्रा होती है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से पूरा सहयोग करके अब अचलपुर की सामाजिक एक कार्यक्रम होने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से इसको सफलतापूर्वक डीजे, ढोल, ताशे और हजारों की पब्लिक के साथ इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। क्या कहेंगे भयानक गणेश उत्सव मंडल का इस वर्ष जो है और क्या क्या आयोजन होते हैं, इससे पहले भी क्या क्या है? पहले जैसे यार अक्षराची भी, उसके बाद में गरीबों को खाड़ा बांटा, ये अपना पुस्तक बांटा, ये सभी कार्यक्रम यहाँ होते हैं। इसके बाद में जो विसर्जन होता है शांतिपूर्वक तरीके से आयोजन किया जाता है इसका। उसके बाद में हजारों की पब्लिक आती है, पूरे गांव, अचलपुर, परतवाड़ा, पूरा शहर आता है यहाँ पे। पूरा ताकत से शांतिपूर्वक तरीके से पूरे उत्साह के साथ पूरे गाँव के हिंदुत्व का नारा लेके बहुत बढ़िया परतवाड़ा के दुरानी चौक पर आजाद गणेशोत्सव मंडल जो विगत 77 वर्षों से यहाँ विराजमान होता है। आपको बता दें कि आज़ादी का जब पर्व था और लोकमान्य तिलक इन्होंने परंपरा को शुरू किया था, संगठित रहे लोग, संगठित रहना चाहिए, इसलिए आज़ाद गणेशोत्सव मंडल की स्थापना दुरानी चौक पर, यहाँ पर भरत चौरसिया है जिनके माध्यम से यह शुरू हुआ था। और ये मंडल 1947 में शुरू होकर आज 77 वर्ष तक यहाँ चलते आ रहा है। और विशेष बात यह है कि चौरसिया परिवार की चौथी पीढ़ी आज भी सेवा कर रही है। गणपति बाप्पा आज जा रहे हैं अपने गांव चले, ऐसा कहते हैं गणपति बाप्पा अपने गांव चले। हमारे साथ भरत चौरसिया, इनके पुत्र मनोज चौरसिया है, उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से इस मंडल का इतिहास है। ये हमारे दादाजी की कल्पना थी, उन्होंने देश आज़ाद हुआ ये सोचते थे कि जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ उस दिन हम आज़ाद हिंद मंडल की ओर से गणेश स्थापना करें, उसी के उपलक्ष्य में बैठते हैं। उसी परंपरा को हम निरंतरता चला रहे हैं। क्या क्या है नौ दिन आयोजन होती है? नौ दिन आरती होती है और सातवें दिन महाप्रसाद होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन। आज बापू का विसर्जन किस प्रकार? विधि विधान सनातन धर्म के अनुसार भावभक्ति पूर्ण से निश्चित रूप से अभिषेक के पश्चात यहाँ बाप्पा विसर्जन के लिए जाएंगे। और पूरे श्रद्धा के साथ आज़ाद हिंद गणेश उत्सव मंडल यह स्थापना होने के बाद आज विसर्जन कर रहा है। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश के लिए सिटी न्यूज परतवा। उठाओ उठा अच्छा
बनाएगा।